पाकिस्तान ग्रीन ने इंटरनेशनल कबड्डी टाकरा अपने नाम कर लिया। पंजाबियों की शान, पंजाब के माथे के झूमर। कबड्डी का शानदार मुसाहरा, फाइनल में भारतीय सुरमाओं को पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मात दे दी। पाकिस्तानी टीम ने भारत के 29 के मुकाबले में 40 पॉइंट्स हासिल किए। पंजाब स्टेडियम पाकिस्तान जिंदाबाद, कबड्डी जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। दोनों टीमों की जानिब से रवायती खेल पेश करने के दिलचस्प मनाजिर। केंची ढाक मारने, जफ्फा लगाने और कलाई की पकड़ाई से दबोचने के शानदार मुजाहिरे। रीडल और स्टॉपर के दरमियान पकड़ने और भागने की कश्मकश। मुनफरिद दाव पेच, फुर्तियों के नजारे से शायकीन अश्श कर उठे। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान, मियां असलम इकबाल और तैमूर भट्टी भी मौजूद। पोजीशन के मैच में पाकिस्तान वाइट्स ने ईरान की टीम को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान वाइट्स ने 24 के मुकाबले में 31 पॉइंट्स से फतह समेटी। ईरानी टीम को बग्घियों पर बिठाकर ग्राउंड का चक्कर भी लगवाया गया। शहर में एलपीजी माफिया बेकाबू। माफिया ब्लैक में 150 रुपए फी किलो एलपीजी फरोख्त करने लगा। इंतजामिया माफिया के आगे बेबस। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में 115 रुपए फी किलो मुकर्रर कर रखी है। पंजाब ट्रांजिट एजेंसी के माहिरीन के लिए अच्छी खबर। वजीर आला का पे स्केल और अलाउंस देने की मंजूरी का ऐलान। जूनियर साइंटिस्ट और ट्रांजिट साइंटिस्ट की तनख्वाहें भी बढ़ाई जाएंगी। वजीर आला की जानिब से डीजी ट्रांजिट एजेंसी डॉक्टर अशरफ ताहिर की फॉरेन टूर की मंजूरी का अख्तियार एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को दे दिया गया। पहले हुक्मरानों की तवज्जो सिर्फ अपनी तिजोरियां भरने की जानिब थी। इमरान खान का सियासी नहीं बल्कि एक समाजी विजन है। पहले भी कहा कि जरदारी और नवाज शरीफ का सियासी खात्मा हो चुका, हमने कुछ नहीं किया। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने अपनी सियासी कब्र खुद खोदी। वफाकी वजीर इत्तला फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं जनवरी को नए बजट में मुस्तहकम मुआशी पाकिस्तान की बुनियाद रखेंगे। इमरान खान के सिपाही की हैसियत से ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन का मुकाबला करता रहूंगा। झूठे प्रोपेगेंडे और खबरों के पीछे आले शरीफ और आले जरदारी का हाथ है। उन्हें मंतकी इंजाम तक पहुंचा कर रहूंगा। सूबाई वजीर इत्तला फयाजुल हसन चौहान की गुफ्तगू। जनूबी पंजाब के लिए मिनी सिविल सेक्रेटेरिएट के कयाम का मामला। वजीर अला पंजाब की मंजूरी के बाद फंड्स भी तजवीज। 50,08,62,000 रुपए मुख्तिस करने की तजवीज। तनख्वाह और अलाउंसेज की मद में 23,90,00,000 और ऑपरेटिंग खराजात के लिए 21,18,00,000 मुख्तिस करने की तजवीज। अफसरान के लिए 1300 सीसी 8 गाड़ियां और 1000 सीसी 13 गाड़ियां खरीदी जाएंगी। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए पीएनडी बोर्ड तश्कील। पीएमएस एसोसिएशन के इंतखाबात ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन ग्रुप ने 36 वोटों से मैदान मार लिया। नवीद शहजाद मिर्जा पीएमएस एसोसिएशन पंजाब के सदर मुंतखब। आमदन से जायद 10,000 केस। शरीफ खानदान के खिलाफ एक और केस की तैयारी शुरू। हुंडी के जरिए करोड़ों रुपए मुंतकिल करने का इंकशाफ। हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, शहबाज शरीफ के खिलाफ मुतद्दिद अफराद ने बयानात रिकॉर्ड करा दिए। पंजाब हुकूमत का कायमा कमेटियों के अरकान की तादाद बढ़ाने का फैसला। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और इस्तेहाक कमेटी के अरकान की तादाद 14 से 17 करने पर गौर। दीगर कायमा कमेटियों के अरकान की तादाद 10 से बढ़ाकर 11 करने का फैसला। मुजवजा तरामीम असेंबली के कल होने वाले इजलास के एजेंडे पर मौजूद। प्रोडक्शन ऑर्डर के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन में अहम पेशरफ। प्रोडक्शन ऑर्डर के अख्तियार की तरमीम कल असेंबली में पेश की जाएगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप का मामला। पंजाब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर तय। हुकूमत और अपोजिशन कायमा कमेटियों के मामले पर बुध के रोज बैठक। हमजा शहबाज को पीएसी की चेयरमैनशिप देने के मामले पर गौर।
इंसाफी मेंबरान असेंबली भी लीगी एमपीएस के नक्शे कदम पर चल पड़े। हल्के में तरक्याती काम करवाने के लिए हुकूमती एमपीएस ने तरक्याती इदारों से मदद मांग ली। पीपी 170 से रुकन असेंबली चौधरी अमीन का तरक्याती काम के लिए वजीर आला सेक्रेटेरिएट को खत। वजीर आला ने 6 तरक्याती स्कीमों की फिजिबिलिटी के लिए एलडीए को टास्क सौंप दिया। हुकूमत 6 माह में 3 बजट पेश करेगी तो सरमायाकारी कैसे होगी? हुकूमती पॉलिसीज के बायस मुआशी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ। नून लीग ने अगर कर्ज लिया तो वो हराम है, हुकूमत कर्ज ले तो वो हलाल है। आसिफ जरदारी ने जिस फोरम पर नाहिल होना था वहां से दरखास्त वापस क्यों ली गई? रहनुमा नून लीग मुसद्दिक मलिक का सवाल, बोले कोई एनआरओ नहीं हो रहा, नवाज शरीफ और जरदारी के दरमियान राबते की कोशिश नहीं की। रहनुमा नून लीग मुफ्ता इस्माइल के मुखालफीन पर वार, बोले अगर किसी ने एनआरओ मांगा है तो नाम बता दें। वजीर आजम समेत किसी शख्स के पास एनओआर देने का इख्तियार नहीं। पीटीआई की हुकूमत आने से महंगाई में इजाफा हुआ। मिशन क्लीन लाहौर फेज 2, बादामी बाग सब्जी मंडी मुल्तान रोड और काना काचा मंडी में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल। मुल्तान रोड मंडी से 4 केनाल सरकारी अराजी बागुजार, बादामी बाग मंडी की राहदारियों से 100 थड़े और 10 खोखे मिसमार। काना मंडी में दौरान ऑपरेशन 200 थड़े और 20 खोखे गिरा दिए गए। सिंहपुरा मंडी और रायवंड सब्जी मंडी में ऑपरेशन आइंदा 2 से 3 रोज में किए जाने का इम्कान। एलडीए की हाउसिंग स्कीमें फेल होने की वजह रेवेन्यू डिपार्टमेंट करार। डीजी आमना इमरान का कहना है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड ना हो तो स्कीम फेल ही होगी। 20 से 30 साल पुराने मामलों का रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं। मंशा बम और दीगर लोग इस तरह फायदा उठाते हैं। सब्जियां मार्केट रेट से महंगी। सिंहपुरा मंडी में आलू 15 रुपए किलो, टमाटर 35 रुपए, शिमला मिर्च 74 रुपए, करेले 66 रुपए किलो फरोख, लहसुन 6 रुपए के इजाफे से 152 रुपए किलो हो गया। सर्दी की लहर तेज होने पर लंडा बाजारों में रश। जैकेट्स, जर्सियां, जुराबे, मफलर, जोगर्स और स्वेटर्स की कीमतें मजीद बढ़ गईं। शहरियों का गर्म कपड़ों की कीमतें कम करने के लिए भाव था। नॉर्दर्न गैस की गैस चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां। कोट लखपत में कच्चा जेल रोड पर बड़े पैमाने पर गैस का गैर कानूनी इस्तेमाल पकड़ा गया। दूध में मिलावट, सेहतमंद पंजाब के हसूल में रुकावट। फूड अथॉरिटी की मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयां। 14,915 लीटर केमिकल ज्यादा दूध तल्ब कर दिया गया। लाहौर जोन में 769 गाड़ियों की चेकिंग। दूर दराज इलाकों से जाली दूध तैयार करके शहरों में सप्लाई किया जाता था। फूड अथॉरिटी। वजीर आजम सिटीजन पोर्टल पर लाहौर में माहौलियाती आलूदगी की शिकायत के अंबार। सबसे ज्यादा शुमाली लाहौर में फजाई और सनती आलूदगी की शिकायत के इंदराज। प्राइमरी और मिडिल के इम्तिहानात का मामला, सुपरवाइजरी स्टाफ की तरबियती सेशंस में शिरकत लाजिम करार। इम्तिहानात के लिए मास्टर ट्रेनर्स की तरबियत 21 जनवरी से शुरू होगी। लाहौर में 504 सेंटर्स कायम। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज के सरबराहान को मरासला जारी। आईटी यूनिवर्सिटीज के जेर एहतमाम अलहमरा हॉल में थिंक फेस्टिवल का दूसरा रोज, मुल्की और गैर मुल्की मोटिवेशनल स्पीकर की शिरकत। विफाकी वजीर इत्तला फवाद चौधरी भी शरीक। फेस्टिवल में किताबों के मुतद्दिद स्टॉल्स भी लगाए गए। सलामतपुरा में मार्शल आर्ट सेंटर में जूडो कराटे के मुकाबले। नन्हे मुन्ने बच्चों ने जूडो कराटे में अपनी मुहारत दिखाकर खूब दाद पाई।